दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम झटपट बहुत ही आसान तरीके से एक नाश्ता बनाना सीखेंगे। बच्चों की बहुत डिमांड होती है कि कुछ अलग चाहिए, हमें ये सब्जी नहीं खानी, हमें वो सब्जी नहीं खानी, तो सीख लिया आज हम बहुत ही अलग तरीके का एक नाश्ता बनाएंगे जो कि है सूजी मलाई टोस्ट। इसको हम ब्रेड पिज्ज़ा भी बोल सकते हैं क्योंकि बच्चे ब्रेड पिज्ज़ा सुनकर बहुत जल्दी इसको खा लेते हैं। तो आज हम यही रेसिपी बहुत ही ईजी तरीके से बनाएंगे। सूजी मलाई टोस्ट के लिए सबसे पहले हम लेंगे सूजी, जो कि मैंने एक कटोरी लिया है। इसको हम बड़े बर्तन में डालेंगे। उसके बाद हम लेंगे मलाई, जैसे कि नाम में ही है सूजी मलाई, तो सूजी और मलाई ये मेन है। तो मलाई ली है, ये घर की मलाई है, फ्रेश मलाई। ये देखिए इस तरह से वही हमें लेनी है, जिससे फ्रेश मलाई जो हम घर की लेते हैं इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हम ये मिक्स करेंगे। अभी हम पूरी नहीं एक साथ डालेंगे, थोड़ी ही डालेंगे, आधी बाद में मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसके बाद हम लेंगे कुछ कटी हुई सब्जी। जो भी घर में आपके सब्जी हो आप वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक टमाटर छोटा बारीक कटा हुआ लिया है, वो मिक्स कर रही हूँ। एक छोटी प्याज बारीक कटी हुई, एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, ये मिक्स करेंगे। आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, पत्ता गोभी हो वो भी डाल सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा नाश्ता है जिसमें वेजिटेबल्स वगैरह हम अच्छे से डालकर इस नाश्ते को बना सकते हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। कई बार घर में क्या होता है, बच्चों को सब्जी खाना नहीं पसंद होती है कि हम ये सब्जी नहीं खा रहे, हम वो नहीं खाएंगे, उनके काफ़ी चॉइसेस होती हैं। तो ये नाश्ता हम उनको दे सकते हैं, इसमें हम कोई भी पसंद की सब्जी ऐड करके, और ये नाश्ता बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो इसको सूजी मलाई टोस्ट बोलते हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा कि हाँ ये नाश्ता बनाया है, बच्चों को नाम से बहुत फ़र्क पड़ता है, तो हम इसको ब्रेड पिज्ज़ा भी बोल के उनको दे सकते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा तो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद होता है। तो पिज़्ज़ा के नाम से बच्चे ये बहुत जल्दी से खाते हैं, तो एक तरह से हम इसको ब्रेड पिज़्ज़ा बोल कर भी बच्चों को ये दे सकते हैं। अभी ये थोड़ा सा ड्राई है, तो इसमें जो हमारी बची हुई मलाई है हम वो ऐड कर देंगे। ये देखिए, हमारा जो ये पेस्ट है ये पूरी तरह से रेडी है। हमें ये पेस्ट थिक ही चाहिए, ये हमें पतला नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो ब्रेड के ऊपर हम लगाएंगे तो वो अच्छे सेट नहीं हो पाएगा। तो हमें इसी तरह से ये पेस्ट चाहिए। इसके बाद हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे एक चम्मच, और फिर हम लेंगे नमक, नमक भी एक चम्मच डालेंगे। बाकी इसमें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके बाद हम इसको 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, जिससे जो ये हमारी सूजी है ये अच्छे सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद हम अपना सूजी मलाई टोस्ट रेडी करेंगे। बैटर हमारा पूरी तरह से रेडी है। अब हम ब्रेड के स्लाइस लेंगे, और इस जो पेस्ट है हमारा इसको हम ब्रेड के ऊपर अच्छे सेट करेंगे। हमें लेयर ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है, हम पतली ही लेयर रखेंगे। पतली लेयर रखने से ये अच्छे से सिकेगा और बहुत ही क्रंची टेस्ट आता है। मोटी लेयर अगर हम रखेंगे तो अंदर की तरफ अच्छे से ये नहीं सिक पाता है कई बार, तो हम कोशिश करेंगे कि जो लेयर है वो पतली ही रहे। तवा हम गैस की फ्लेम पर रखेंगे और ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम ब्रेड की स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे। तवे पर घी डालकर हम ब्रेड की स्लाइस रखेंगे, और हम थोड़ा सा इसमें चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हम इसको सेकेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये नीचे की तरफ से सिकी है या नहीं, उसके बाद ही हम जो स्लाइस है इसको पलटेंगे। अभी हल्की रहती है तो इसको और अच्छे से सेक लेते हैं, क्रंची कर लेते हैं। बहुत अच्छे से सिक चुका है, दूसरा वाला भी हम इसको पलटेंगे। ये देखिए, एक साइड से तो बहुत अच्छे से सिक गया है, ये अच्छा क्रंची लुक आ रहा है। अब जो दूसरे साइड से जहां हमने सूजी लगाया है वहां अच्छे से सेकेंगे, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं ये हमारे सूजी मलाई टोस्ट दूसरे साइड से सिक गए हैं या नहीं। ये देखिए, एकदम बढ़िया क्रंची लुक आ गया है, देखने से बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही जल्दी ये नाश्ता हमारा रेडी हो जाता है और टेस्टी भी बहुत होता है। ये आप लोग भी ट्राई करेंगे, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, और ख़ास तौर से बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता है। ये देखिए, है ना मज़ेदार।